नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर वन डिजिटल चैनल भारत लाइव में। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख इन दिनों विदेश में परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। वहीं घर में उनकी पार्टी के 4 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। टीडीपी के 4 सांसद गुरुवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिलने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद थे। चारों ने उपराष्ट्रपति को एक पत्र सौंपा जिनमें उन्हें बीजेपी में शामिल करने की मांग की गई थी। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चारों को विधिवत रूप से बीजेपी में शामिल करा लिया गया। इस दौरान जेपी नड्डा वहां मौजूद थे। बता दें कि वर्तमान में राज्यसभा में टीडीपी के 6 सांसद हैं जिनमें से 4 ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी में शामिल होने वाले चारों सांसद वाईएस चौधरी, सीएम रमेश, टीजी वेंकटेश और मोहन राव हैं। बता दें बीजेपी सांसद उच्च सदन में बहुमत पाने की कोशिश कर रही है क्योंकि कई प्रमुख बिल पारित कराने के लिए पार्टी के पास बहुमत नहीं है। खबरों का सिलसिला न्यूज़ बिहार और भारत लाइव पर चलता रहेगा। नए खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।